बिल्कुल फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या है और इसके कारण क्या होते हैं, और अगर किसी को ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया डायग्नोस होती है, रिपोर्ट से पता चलती है, तो उनको क्या करना चाहिए। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया या माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी का मतलब है कि जो आरबीसी है उसका साइज छोटा हो गया है, तो उसका मतलब हुआ माइक्रोसिटिक। और उस आरबीसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, नॉर्मल से अगर कम हीमोग्लोबिन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ऐसा आप सीबीसी की जांच में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या कभी सीबीसी का कमेंट करवाएंगे तो उसमें लिखा हुआ मिल सकता है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब है आरबीसी का साइज कम हो गया है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है। तो माइक्रोसिटिक में क्या होगा, जो एमसीवी होता है, एमसीवी का जो नंबर है वो कम हो जाएगा, 80 से नीचे आ जाएगा, 80 फेमटोलीटर से, और जो एमसीएच है उसका भी नंबर कम हो जाएगा। तो इससे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हम लोग बोलते हैं। और ये काफी कॉमन चीज है कि ऐसा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इंडिया में मिले, क्योंकि हमें यहाँ पे आयरन की कमी काफी ज्यादा होती है। जो खून कम होने के कारण होते हैं उसमें आयरन की कमी एक प्रमुख कारण है, इसलिए ये इंडिया में देखने को बहुत मिलती है, स्पेशली महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया अगर किसी को डायग्नोज हुई है तो क्या कारण हो सकते हैं, अगर उसकी बात करें तो पहले नंबर पे आता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के 90% ज्यादा केसेस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के होते हैं। कुछ परसेंट केसेस में थैलेसीमिया, एक बीमारी है खून की जिसमें खून सही से नहीं बनता है, एक जेनेटिक बीमारी है। इसके अलावा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, मतलब किसी को लंबे समय से कोई क्रोनिक बीमारी है उसके कारण अगर खून की कमी होती है तब भी कई बार माइक्रोसिटिक पिक्चर मिलती है, और लेड पॉइजनिंग। तो ये चार प्रमुख कारण है। इसमें से जो पहले नंबर का कारण है आयरन की कमी हो जाना, और आयरन की कमी होना बहुत ही कॉमन बात है। अब अगर आयरन की कमी हो गई है, ये माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे खाने खाएं जिसमें आयरन की मात्रा हो, या तो फिर आयरन की आप टैबलेट खा सकते हैं। तो आयरन की टैबलेट खाना ज़्यादा आसान रहता है, उसको आप एक आध महीने दो महीने खाएंगे तो ये एनीमिया जो है खून की कमी है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक से एनीमिया के कारण जो हुई है वो ठीक हो जाएगी। और जैसे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किसी को डायग्नोज होता है और ये देखना है कि आयरन की ही कमी है या थैलेसीमिया की बीमारी तो नहीं है, तो उसके लिए फिर आप सीरम फेरेटिन करवा सकते हैं। सीरम फेरेटिन से ये पता चल जाएगा कि आयरन की कमी है कि नहीं, आयरन डिफिशियंसी में फेरेटिन का लेवल कम हो जाता है, और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसमें से ये पता चल जाएगा कि थैलेसीमिया है कि नहीं। तो जब भी किसी को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ऐसी कोई जांच रिपोर्ट में मिलता है या दिखता है रिपोर्ट में लिखा हुआ, तो उसका मतलब ये होता है और कुछ कारण जैसे कि मैंने बताए हैं और क्या इसका इलाज होगा। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया को अब आप समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।